हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का फिल्म का टाइटल चेंज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल चेंज हो चुका है। तो क्या है न्यू टाइटल, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही फिल्मों की अपडेट जानने के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेटेस्ट मूवी शमशेरा देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, इन दिनों सलमान खान काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि साउथ की फिल्म गॉडफादर में सलमान खान का कैमियो होगा और अब ये खबर आ रही है कि फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल चेंज हो गया है। बताते चले दोस्तों, विक्रांत रोना का कल प्री रिलीज इवेंट था मुंबई में और इवेंट में दोस्तों सलमान खान ने कंफर्म किया है कि फिल्म का टाइटल कभी ईद कभी दिवाली नहीं होगा बल्कि फिल्म का टाइटल भाईजान होगा। जी हां दोस्तों, सलमान खान ने खुद ने कंफर्म किया है कि फिल्म का टाइटल भाईजान होगा। बताते चले, भाईजान मूवी इसी साल 2022 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। भाईजान फिल्म में सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश, आयुष शर्मा और शहनाज गिल नजर आने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, फिल्म में विलन का रोल करेंगे साउथ के फेमस एक्टर जगपति बाबू। जी हां दोस्तों, फिल्म में विलन का रोल करेंगे जगपति बाबू। आते चले दोस्तों, फिल्म में एक से बढ़कर एक गाना सुनने को मिलेगा, उसमें से एक गाना हनी पाजी का होगा। जी हां दोस्तों, फिल्म भाईजान में हनी पाजी ने म्यूजिक दिया है। आपको बता दूं, फिल्म को डायरेक्ट किया है फहद सामजी ने। तो दोस्तों, ये थी अपडेट भाईजान फिल्म के बारे में। आप सब कितने एक्साइटेड हो फिल्म भाईजान को लेकर, लिखकर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही मूवी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मूवी वाला को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।